उत्तर रेलवे स्टेडियम चारबाग में बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग की ओर से 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आरंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के रिटायर्ड DGP वीरेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष उज्जवल रमन के निर्देशन में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के हेड बॉय एवं हेड गर्ल द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष को बुके भेंट कर एवं बैच लगा कर किया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.के. पांडे और मौजूदा अतिथियों के साथ विद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय चंद्र भानु गुप्त के छाया चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करने के बाद ध्वजारोहण करते हुए गुब्बारों को छोड़ा गया और मशाल को प्रज्वलित किया गया। बाल विद्या मंदिर की तरफ से यहां पे वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया है। चारबाग स्टेडियम में इस आयोजन का समारोह किया जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए यहां पे स्पोर्ट टीचर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है और साथ ही साथ क्या कुछ होने वाला है आगे, क्योंकि ये 2 दिवसीय होने वाला है। पहले दिन जो है हमारे जंपिंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट और वो रनिंग इवेंट है, जिसमें से कुछ इवेंट जो हैं जूनियर बॉयज़ के हैं, जूनियर गर्ल्स हैं, सीनियर बॉयज़ सीनियर गर्ल्स के हैं। तो इसको मैंने डिवाइड किया है क्योंकि एक ही बच्चा 100 मीटर भी दौड़ता है 200 तो 2 दिवसीय कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि कुछ हमारे रेस इधर बच्चे दौड़ेंगे तो रेस के बाद दूसरे दिन दौड़ेंगे। दूसरा हमारा जो है बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड बास्केटबॉल जो कि मेरा चल रहा था वो आज ख़त्म हुआ है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन बास्केटबॉल मेरा कल ख़त्म होगा, उसके भी बच्चों को यहीं पे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उनका सम्मान किया जाएगा। अच्छा, कोविड के बाद ये क्या प्रोग्राम पहली बार किया जा रहा है या फिर एक दो बार हुआ है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए हम लोग के जो आपसी स्कूल के प्रोग्राम है छोटे छोटे प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा प्रोग्राम शायद पहली बार हो रहा है हमारा। मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे कौन कौन आ रहा है जिससे कि बच्चों में प्रोत्साहन बढ़े? मुख्य अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह जी आ रहे हैं जो IPS रिटायर्ड हैं और DGP हरियाणा। 2 दिवसीय प्रतिस्पर्धा होने वाली, इसमें किस किस वर्ग के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे बच्चे। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये 1 महीने से बताया जा रहा है कि बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या बच्चों में जोश वही है? कुछ दिक्कतें आई क्योंकि कभी कभी खेल कूद की प्रैक्टिस के दौरान उनके हाथ पैर में कभी चोटिल हो जाते हैं, तो ये सब समस्याओं का वो उठाना पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत उठाना पड़ा, लेकिन बच्चे जो है इसमें उत्साहित है क्योंकि कोविड के बाद पहला वो हो रहा, तो बाहर बच्चा उत्साहित के साथ है। हम लोग को कराना था तो हमने अपने आप कोर्स वगैरह बच्चों का पूरा करा दिया। एक आखिरी सवाल कि क्या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये जो खेल कूद है वो कितना ज़रूरी होता है एक बच्चे के जीवन में, क्योंकि आप स्पोर्ट टीचर हैं, आप इस बात को अच्छे तरीके से बतला सकते हैं? जो जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो आपका आपको जो रिलैक्स के लिए रूप में जो है ये खेल ही सा आपका एक उपचार है जो कि आपको रिलैक्स करता है। जो माइंड रिलैक्स रहेगा, आदमी बच्चा खुश रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छा करेगा। डेली इंसाइडर से विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.के. पांडे ने 2 दिवसीय हो रहे वार्षिक क्रीड़ा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों ने भाग लिया है, साथ ही सभी प्रकार की खेल प्रतियोगिता को इसमें सम्मिलित किया गया है जिससे कि बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो पाए। आज हमारे यहाँ 2 दिन का बच्चों का स्पोर्ट्स मीट, एनुअल मीट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे नर्सरी से लेकर के +2 तक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस खेल कूद में हमने सारे बच्चों के, हर लेवल के बच्चों के, हर एज ग्रुप के बच्चों को मौका दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए। हर तरह के गेम रखे गए हैं जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि हेल्थी बॉडी हैज हेल्थी माइंड जो लाइन है उसको डेवलप करने के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्कूल में हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराते हैं। बच्चों के डांस, सांग, अदर प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन भी सेपरेट कराते हैं ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इस प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी। छात्रों ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का उनके जीवन में कितना महत्व होता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यहाँ पे जो बच्चे मौजूद है ये अभी अभी यहाँ पे 100 मीटर की रेस का ये भाग प्रतिभाग लेकर आ चुके हैं। इससे जानते हैं नाम क्या है आपका? अनुराग यादव नाम है। अच्छा, क्या किए हैं आप यहाँ पे, किस चीज में प्रतिभाग लिए थे आप? मैं 100 मीटर में रेस लिया था। कितनी टीमें थी टोटल?
टोटल 8 प्लेयर थे, सबके दो दो हाउस के थे, विवेकानंद के दो, लक्ष्मण माँ के दो, शंकराचार्य के दो, ऐसे दो और हाउस थे। अच्छा, टोटल कितने प्रतिभागी यहाँ पे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टोटल अभी एक ग्रुप की बात करें तो सब लोग 8-8 भाग रहे और सबकी तो उतना पता नहीं कितने भाग रहे। अच्छा, ये कह रहे थे कितने कितने वर्ग के बच्चे हैं जो आप लोगों को कंपटीशन दे रहे हैं? आपका सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप किस क्लास में हैं? हम 11th क्लास में, 11th ए, सेक्शन ए है हमारा। और अब टोटल मतलब 8 लोग भाग रहे हैं, तो मतलब 11th, 9th, 10th, 11th, 12th, सीनियर के अलग, जूनियर के अलग, प्राइमरी के अलग है। अच्छा, कितने दिन से प्रैक्टिस हो रही थी आप लोगों की? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ आप लोगों के लिए, क्लैपिंग हो रही है, तो कब से आप लोग तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की? 1 week। अच्छा, एक हफ्ते से लगातार। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, नाम क्या है आपका? प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु, क्या आपने किस चीज़ में भाग लिया था? 100 meter रेस। अच्छा, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है आपकी? हाँ हाँ है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? साथ हाँ, सब एक साथ। क्या बनना चाहते हैं? CA। ये स्कूल के बारे में बताइए, क्या कुछ खेल कूद में जब प्रतिभाग लेते हैं तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, इसके साथ ये भी मैनेज किया जाता है, अच्छा लगता है ये चीज़ें? हाँ हाँ, मतलब जब ऐसे स्पोर्ट्स में जब रहता है तो हम लोग को एक कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें तो मज़ा ही आती है। जैसे हमको भी लगा था कि बहुत सारे टफ कम्पिटिटर्स रहेंगे, लेकिन जब स्टार्ट हुई कुछ बराबर भी दौड़ रहे थे, लेकिन फिर जब बूस्ट लिया तो वही कॉम्पिटिशन, उसी में अच्छा लगता है। अभी आप भी, आपकी सांसें जो है वो तेज़ चल रही हैं क्योंकि अभी अभी आपने 100 meter का ये रेस दौड़ा है। क्या लगता है इससे आप पढ़ाई के साथ साथ जो ये चीज़ें होती हैं इससे कहीं ना कहीं बच्चों का शारीरिक विकास होता है, आप लोगों को मदद मिलती है बाहरी दुनिया से लड़ने की, क्या चीज़ें होती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा होना ही भी चाहिए। और जैसे अब कुछ मतलब ज़्यादातर बच्चे तो सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं और बाकी एक्टिविटी भी करनी चाहिए जो कि अच्छी ही होती हैं, तो वही मेरा भी है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चों से बातचीत की जिन्होंने अभी 100 meter रेस से भाग लिया था, और ये तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे और बच्चे आइए, इनसे जानते हैं, नाम क्या है आपका? व्योम रश्मि पांडे। अच्छा, आपने किस चीज़ में भाग लिया है? मैं भाग नहीं लिया हूँ, मैंने सिर्फ मैं इनका कैप्टन हूँ तो इनको लीड करने हैं। अच्छा, आप कैप्टन हैं, तब तो आप और अच्छे से बता सकते हैं इससे पहले कौन कौन चीज़ों में भाग लिया जाता है और किस तरीके से खेला जाता है। हमारे यहाँ जो असल में ये है कि हम लोग इन लोग को प्रैक्टिस ज़्यादातर कराते हैं कि जिससे ये लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें, तो हम लोग इनको शॉट पुट, बास्केटबॉल सब में प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद हम इनका मतलब चेक करते हैं कि ये बेस्ट हैं कि नहीं, अगर उस चीज़ में बेस्ट होते तो हम इन्हें पार्टिसिपेट करा के आगे तक मतलब जहाँ तक ये खेलना चाहते हैं वहाँ तक हम इन लोग को। अच्छा, आप कैप्टन हैं तो आप अपने बारे में क्वालिटी बताइए कि आप स्पोर्ट्स के किस फील्ड में सबसे अच्छा कर लेते हैं? मेरा एथलेटिक्स में है, मैं रेस में हूँ, लेकिन मेरे से भी ये लोग तेज़ दौड़ते हैं तो मैंने अपने आप को एक्स्ट्रास में रख के इन लोग को आगे कर दिया। अच्छा, अपनी प्रतिभा को पीछे रख के आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कोविड बाद ये चीज़ें आपकी पहली बार इतनी बड़ी हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं रुकी रही थी, तो ये अच्छे से हो रहा है जैसे होना चाहिए था? हाँ, हो तो पहले जैसा ही रहा है, बस कोविड की वजह से हमारा ये है कि थोड़ा सा कम हो गया है, वो हम इंडिया है कवर तो कर ही लेगा। एक हफ्तों से बच्चों ने इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्साह था, तो क्या लगता है इन सब की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं? ये चीज़ बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोविड में हम लोग का असल में ये है कि फिटनेस पे हम ध्यान नहीं दे पाए, हमारा बाकी मेंटली हेल्थ बाकी सब तो प्रिपेयर थी, बस हमारी फिटनेस ही बिगड़ रही थी, वो अब इस ये सब होगा तो हमारी फिटनेस भी कवर हो जाएगी, सब हम लोग वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे जैसे हमारी पहले लाइफ थी। तो हमने यहाँ पे बच्चों से बातचीत की और यहाँ पे कैप्टन से बातचीत की किस तरीके से स्पोर्ट्स हमारे जीवन में, खेलकूद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और साथ साथ अगर यहाँ पे पूरे खेलकूद की बात की जाए तो यहाँ पे नर्सरी से लेके जूनियर से लेके 12 तक के बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग लिया है। जहाँ 100 meter की रेस में सीनियर बॉयज में प्रथम स्थान पर 12वीं कक्षा के प्रियांशु शर्मा रहे, तो वही सीनियर गर्ल्स में 9वीं कक्षा की छात्रा रिशिता आनंद प्रथम स्थान पर रही। टेबल टेनिस में सीनियर बॉयज में अविकत श्रीवास्तव, सीनियर गर्ल में अनन्या सिंह, जूनियर गर्ल में विधि त्रिवेदी, जूनियर बॉयज में अक्ष श्रीवास्तव प्रथम स्थान पर रहे। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए संवाददाता प्राची तिवारी और अनुराग की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।